माय चैनल। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, थोड़ा रुक के बताऊँ, नहीं चलो मैं आपको बता देती हूँ। आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्रोशेट ज्वेलरी लेकर आई हूँ, तो वो आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। जिसको स्किन में प्रॉब्लम है आर्टिफिशियल ज्वेलरी से, वो बहुत आसानी से वो बना के उसको पहन सकते हैं, तो उससे आपको ना स्किन एलर्जी होगी ना कुछ होगा। तो सबसे पहले तो मैंने सेम उसी का देखिए मंगलसूत्र बना रखा है, ये मैंने मंगलसूत्र बना रखा है ताकि ये हमारे को स्किन में कोई भी जैसे प्रॉब्लम होती है ज़्यादातर लेडीज़ों को। हमें डोरी देखिए मैंने थ्रेड से, पूरी डोरी थ्रेड से बना रखी है, और यहाँ पर नीचे मैंने मोती का अपना और मोती का दे रखा है ताकि हमारा लटकन हमारी इससे बनी रहे, ये देखिए। और गले में पहना हुआ भी बहुत सुंदर लगता है, तो हम कहीं जा रहे हैं गर्मी है तो हम इसको पहन सकते हैं। अच्छा, और एक मैं लाई हूँ आपके लिए, ये देखिए ये मैं नेकलेस लाई हूँ, ये देखिए ये मैंने क्रॉसवेट से नेकलेस बना रखा है, क्योंकि जो करोशी की जो हम ज्वेलरी बनाते हैं और अगर हम ये मार्केट में लेने जाते हैं तो हमारे को बहुत महंगी मिलती है, ये देखिए। और हम आराम से इजीली इसको घर में बना सकते हैं और इसको अपना इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ये देखिए। ये हम तो ये हम जब भी पहनेंगे इसको तो इस तरह से ये हमारा आएगा, और मैचिंग से पहनेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। और ये नेकलेस का काम तो करता ही करता है, साथ में ये मंगलसूत्र का भी काम करता है, और साथ में मैंने इसके बना रखी हैं झुमकियाँ। ये भी मैंने गोल्ड की पहन रखी है, नहीं तो मैं आपको पहन के दिखाती, ये देखिए ये मैंने झुमकी बना रखी है, तो ये आराम से हम पूरा सेट वेयर कर सकते हैं, ये देखिए। और बेधड़ होके हम कहीं पर भी पहन के जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसका कलर कोई ख़राब नहीं होगा, और इसका जो भी है इसमें हम कोई भी कलर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ब्लैक के साथ रेड भी ले सकते हैं, मेहरून भी ले सकते हैं, वो बहुत सुंदर लगेगा। आप मैंने इसमें नीचे ये पैंडल लगाया, आप बिना पैंडल के भी बना सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। इसकी मैंने नोज पिन नहीं बनाई है, इसकी मैं नोज पिन बनाऊंगी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। ये मैंने इस तरह से बनाया और ये पहना हुआ भी बहुत ही सुंदर लगता है, ये देखिए। जैसे होता है इसके अंदर, जैसे मैंने रेड रोज का थ्रेड ले रखा है, और जो भी मैं ज्वेलरी बनाती हूँ ज़्यादातर रेड रोज का थ्रेड लेती हूँ। वो इसलिए लेती हूँ क्योंकि ये एक तो बिल्कुल एक सा होता है, कहीं ना मोटा ना थ्रेड होता ना कहीं पतला, ये बिल्कुल एक जैसी इसकी लेंथ भी होती है, लेंथ इसकी ज़्यादा होती है, लाइट वेट होता है, और जो भी इसकी वेथ है तो वो पूरी एक सी होती है। कहीं ये नहीं है जैसे हम कुछ बना रहे हैं तो कहीं बीच में मोटा आ गया, कहीं थ्रेड पतला हो गया, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर आप कभी भी ज्वेलरी या हम ज्वेलरी छोड़ी चलो ज्वेलरी भी बना के आप ज़रूर मुझे बताएंगे, आप इससे ज्वेलरी के बजाय आप वो भी बना सकते हैं, अपनी कुर्ती भी बना सकते हैं, कानाजी की इससे थ्रेड से ड्रेसेस भी बना सकते हैं। मैंने आपको सारे ऑप्शन बता दिए कि आपको ज्वेलरी नहीं बनानी तो ज्वेलरी आप मत बनाइए, लेकिन इस वाले थ्रेड को जरूर इस्तेमाल करिए एक बार, ताकि आपको इससे पता चलेगा कि ये थ्रेड आपको जो हम और थ्रेड लेते हैं कॉटन के उससे कितना बढ़िया है। इसमें प्लेन थ्रेड भी आता है और ये वाला है इसमें थोड़ा सिल्वर थ्रेड मिक्स है, तो इसलिए ये थोड़ा
और ये 50 ग्राम के बॉल आते हैं, 50 ग्राम से ज़्यादा का नहीं आता। और जो एक है वो थोड़ा बड़ा आता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ।